हेलो व्यूअर्स दोस्तों, क्रिकेट ग्राफ पे आज जो क्रिकेट की शख्सियत जुड़ रही है उसने लगभग 12 से 13 वर्ष तक उत्तर प्रदेश के क्रिकेट रणजी को रिप्रेजेंट किया है। अंडर 19 में भारत के हाथ एक वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दिलाई है और डेक्कन चार्जर्स, किंग्स इलेवन पंजाब जैसी आईपीएल फ्रेंचाइजीज को रिप्रेजेंट किया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारतीय डोमेस्टिक क्रिकेट के जाने माने नाम तन्मय श्रीवास्तव की। आइए रूबरू होते हैं तन्मय से। तन्मय, बहुत बहुत स्वागत है हमारे क्रिकेट ग्राफ के शो पर आपका। थैंक यू सो मच। तन्मय, वैसे तो हमारे देश में क्रिकेट के लिए इंस्पिरेशन लेने के लिए आबो हवा ही काफी है, आबो हवा में ही क्रिकेट के प्रति लगाव रहता है। लेकिन अगर आपकी बात करें तो ऐसी क्या इंस्पिरेशन थी जो आपका दामन थाम के आपको कानपुर के ग्रीन पार्क तक ले गई बचपन में? ऐसा मतलब जब मैंने क्रिकेट शुरू किया तो जैसे सारे इंडियंस शुरू करते हैं गली मोहल्ले में घर की छत पे खेलना। सैटरडे संडे को मैं इंतजार करता था कि दोस्तों के साथ मैदान पे जाके खेलूं, तो वहां से मैंने धीमे धीमे क्रिकेट खेलना शुरू किया। फिर मेरे थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर मेरे पापा मुझे सैटरडे संडे स्टेडियम ले जाना शुरू किए, वहां मैं जाने लगा। फिर वहां पे कोचेज ने बोला कि नहीं, इस लड़के में थोड़ा बहुत स्किल में दम है, आप इसको क्रिकेट कोचिंग सेंटर ज्वाइन कराओ। तो फिर मैंने स्टेडियम ज्वाइन कर लिया। शुरू में काफी टफ था, स्ट्रगल थी, क्योंकि मेरे घर से स्टेडियम बहुत दूर था और टाइम पे पहुंचना काफी टफ होता था, सुबह 6 बजे। और उसके लिए मेरे पापा मेरी मम्मी ने बहुत काफी हेल्प करी, लेके जाना सुबह फिर वापस लेके आना। फिर दिन में मेरा 9:30-10 बजे का स्कूल रहता था, वो जाना फिर वापस आना 4 बजे। उसके बाद फिर मैं अगर सुबह नहीं गया तो शाम का ग्राउंड जाता था। तो काफी स्ट्रगल किया शुरू में। फिर मैं दो दो तीन साल जब मैंने ऐसा किया तो मेरे कोच साहब ने बोला कि हम लोग के यूपी में इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टूर्नामेंट होते थे, तो बोला आप इसको जी उसमें पार्टिसिपेट कराओ, अगर ये अच्छा करेगा तो इसका सिलेक्शन हॉस्टल में हो सकता है। क्रिकेट हॉस्टल था, गवर्नमेंट हॉस्टल है, सरकारी है, सिर्फ क्रिकेट ही है वहाँ, 25 लड़के रहते हैं, सिर्फ क्रिकेट है। तो मुझे मेरे घर वालों ने वो ट्रायल दिलाया, मैंने ट्रायल दिया। कुछ तब मेरे दिमाग में कुछ ऐसा नहीं था कि मुझे हॉस्टल जाना है क्रिकेट खेलना, मैंने ट्रायल दिया, मेरा नाम डिस्ट्रिक्ट में सेलेक्ट हो गया लखनऊ डिस्ट्रिक्ट से। उसके बाद मैं इंटर डिस्ट्रिक्ट मैच खेला, उसमें परफॉर्मेंस किया, फिर उससे कैंप में शॉर्टलिस्ट हुआ, उसमें अच्छा किया। ऐसे करते करते मेरा सिलेक्शन हो गया क्रिकेट हॉस्टल में। जब क्रिकेट हॉस्टल में सिलेक्शन हो गया, जब जाने लगा, तब मैंने काफी सोचा कि क्या ये सही डिसीजन है लाइफ का, क्योंकि उस टाइम मैं क्लास 8 में इंटर करने वाला था जुलाई में। तो मेरे घर वालों का मैं कहूंगा कि थैंकफुल रहूंगा, और ऊपर वाले का, कि उन्होंने मुझसे बस एक ही बात बोली कि बेटा अगर क्रिकेट खेलने जा रहे हो तो क्रिकेट पे ही ध्यान लगाना और जी जान से क्रिकेट खेलना। कभी कुछ ये नहीं बोले कि क्या होगा, क्या है गोल है फ्यूचर में, बस यही बोले थे कि आप क्रिकेट खेलने जा रहे हो, आप जी जान से क्रिकेट खेलो, मन लगा के खेलो, बाकी जो होगा देखा जाएगा। तो ऐसे मेरी जर्नी शुरू हुई। फिर मैं हॉस्टल ज्वाइन किया और धीमे धीमे जो भी मैंने क्रिकेट सीखी, मैं उसका पूरा क्रेडिट ग्रीन पार्क क्रिकेट हॉस्टल को ही दूंगा, कि वहां से मैंने लोगों को देख देख के, अपने सीनियर्स को देखा क्या करते हैं, कैसे स्ट्रगल लाइफ की, कितनी टफ है, इतनी आसान नहीं होती गवर्नमेंट हॉस्टल में रहना। तो वो जो जी 8 7 8 साल थे मेरी लाइफ के, वो मैं कहूंगा उस टाइम में मैंने अपनी लाइफ सीखी कि कितना, कैसे रफ एंड टफ होता है, कैसे आप टफ सिचुएशंस को हैंडल करते हो, कि वहां सारा काम आपको खुद ही करना है। खाना खुद बना के देगा, खाना जो बन रहा है वही खाना, घर की तरह नहीं, ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा। तो काफी टफ था क्रिकेटिंग में, सारे विकेट बनाना, ग्राउंड ग्राउंड में मार्किंग करना, सब खुद करना है, कपड़े खुद धोने, सारी चीजें खुद करनी है, लाइट है नहीं है, आपको खुद एडजस्ट करना है। तो वो जो मेरे 8 साल थे, वो कहूंगा कि वहां से मैंने लाइफ में काफी कुछ सीखा, क्रिकेट भी मेन मैंने वहीं सीखी। और ऐसा नहीं है मेरे पास उस टाइम बहुत बड़े कोचेस थे, मैंने लोगों को देख देख के ही सीखा। जब मैं हॉस्टल में गया था तो ग्रीन पार्क हॉस्टल में मोहम्मद कैफ, उसी 1 2 साल बाद उन्होंने पास आउट किया था, तो उनको देखता था कि वो क्या करते हैं, उस टाइम वो इंडियन टीम में थे। उसके बाद और जो हमारे सीनियर प्लेयर थे वो 19 ईयर रणजी ट्रॉफी खेल रहे, तो उनको देखता था, उनको जैसे दिन में उनको थोड़ा, उनकी मैं अपने बैच वाले को कहता था हाँ हम लोग भी वही करते हैं। तो इस तरीके से मैंने क्रिकेट सीखी है। जी, तन्मय, वो कहते हैं कि स्किल और टैलेंट होना एक बात है, लेकिन जब तक क्रिकेट आपके खून और पसीने में नहीं उतरता है वो मुकाम हासिल करना थोड़ा मुश्किल रहता है। तन्मय, क्रिकेट की जगत की माने तो ये कहते हैं कि ग्रीन पार्क से सफर जो शुरू हुआ तन्मय का, उसने एक मुकाम हासिल किया मलेशिया में 2008 में। लेकिन हमारा मानना है कि उससे पहले भी कई ऐसे मौके, कई ऐसे मुकाम आए जहां पर तन्मय ने अपनी पहचान बनाई।
भारतीय अंडर 19 के डिफरेंट टूर्स, दक्षिण अफ्रीका की हम बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, इंग्लैंड, श्रीलंका, इनफैक्ट पाकिस्तान 2006 में, सब जगह तन्मय ने रन किए। कैसा एक्सपीरियंस था वो अंडर 19 के टूर्स का, अगर हम बात करें तन्मय? विराट कोहली, मनीष पांडे हमेशा हर हर टीम में आपके साथ थे, वो अर्ली क्रिकेट की अगर बात करें, किस तरह का एक्सपीरियंस था वो उस टाइम का? नहीं, अगर आप उससे पूछेंगे तो बहुत कम लोगों को पता कि जब मैंने पहले साल अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट किया तो मैंने दो मैच खेले, दो मैच में मेरे दो रन थे, मैं टीम से ड्रॉप हो गया। फिर मैंने साल भर मेहनत करी, मुझे तब काफी डिसपॉइंट था कि मुझे स्टेट के लिए खेलने का मौका मिला, मैंने दो मैच में कुछ नहीं किया, ड्रॉप हो गया, घर हॉस्टल चलाया। फिर अगले साल ट्रायल हुआ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं ट्रायल पे सेलेक्ट होऊंगा। सारे जो लास्ट ईयर के प्लेयर थे ओवर एज हो गए, उसमें एक या दो ही ऐसे प्लेयर थे जो लास्ट ईयर खेले थे और इस साल एलिजिबल थे, तो उसमें से मैं एक था। तो सेलेक्ट एक मैं था और एक लड़का और था, तो मुझको सिलेक्टर ने बोला, पूछ बुलाया कि तुम कप्तानी करोगे? मैंने कहा सर खेलने को मिल जाए ये बहुत है, कप्तानी अगर आप देंगे तो कर लूंगा। फिर मुझे जी अगले साल उस मुझे कप्तान बनाया गया और मैंने पहले ही मैच में 100 बनाया। तो वो जो था वहां से मेरा एक थोड़ा सा स्टेट में एक नाम हुआ और मैंने एक जगह पक्की करी, नहीं तो मैं स्टेट में भी अगर ड्रॉप हो गया। तो मुझे लगता है कि वो जो मेरे अंडर 14 के तीन मैचेस थे, मैंने पहले मैच में 200 बनाया, दूसरे मैच में 80 बनाया, चौथे मैच में 50 कुछ बनाए थे, तो वहां से हो गया कि यार ये लड़का यूपी यूपी से आ रहा है, बड़े रन बनाता है। उसके बाद धीमे धीमे मैं खेला, थोड़ी बहुत ग्रेजुअली एज ग्रुप क्रिकेट खेलता गया। फिर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, मेरा उस 200 के बाद मेरा सिलेक्शन जो है इंडिया अंडर 15 टीम के लिए हुआ। हम लोग एशिया कप खेलने गए यूएई में, तो वहां पे वो मेरा पहला टूर था, मेरा पहली बार मैंने इंडिया की कैप पहनी थी। तो वहां से वो टूर में हम लोग सेमीफाइनल हारे थे, बट जब मैं हम लोग वहां रुके थे फाइनल्स के बाद हम लोग वापस आए, तब मुझे मैनेजर ने बताया कि आपको बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड मिला है। तो उस अंडर 15 एशिया कप में भी मैंने सबसे ज्यादा रन बनाए थे। तो ऐसे ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप मैं स्टेट लेवल खेलता गया, फिर अंडर 19 क्रिकेट, जो कि सबसे मेन मुझे लगती है कि अंडर 19 क्रिकेट बहुत मेन क्रिकेट है, वो क्रिकेट खेली। पहले साल मैंने 14, 15, 19, जब मैं तीनों फॉर्मेट खेला, तीनों एज ग्रुप की क्रिकेट खेला, 14, 16, 19, तो मैंने टोटल, मुझे ध्यान है कि मैंने 1300 रन बनाए थे। तो उससे मेरा सिलेक्शन ZCA में हुआ था। जब ZCA में सिलेक्शन हुआ तो वहां अच्छा किया, फिर इंटर ZCA के मैचेस हुआ, उसमें बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड मिला। तो उसके बाद मुझे जब NCA में सिलेक्ट हुआ, उसके 2-3 महीने बाद मेरा सिलेक्शन एफ्रो एशिया कप अंडर 19 का इंडिया में हुआ था, विशाखापट्टनम में मैं पहली बार सिलेक्ट तब हुआ। तो वो मेरे लिए मैं कहूंगा कि बहुत अच्छा टूर्नामेंट नहीं रहा, मैंने ओके परफॉर्मेंस करी। फिर उसके बाद जब मैं अगले साल स्टेट खेला, तो काफी जब 19 इंडिया खेला तो उससे काफी कुछ सीखा कि एक लेवल के ऊपर ही क्रिकेट क्या है, उस चीज पे काफी वर्क किया, प्रैक्टिस करी। फिर जब 19 स्टेट खेला तो मैंने काफी रन बनाए। फिर वहां से मेरा फिर सेम प्रोसेस ZCA में हुआ, NCA में हुआ, उसके बाद इंग्लैंड टूर के लिए मेरा नाम आया, वो भी एज ए कैप्टन, उस साल मैंने काफी रन बनाए थे। तो वहां से जो सफर, मैं कहूंगा कि मैं लकी भी था कि मेरी टीम भी इतनी अच्छी थी। विराट इंग्लैंड टूर पे मैं जब सबसे पहली बार गया तो विराट था, ईशान था, नदीम था, उदय कौल था, कई ऐसे बड़े नाम बड़े प्लेयर्स थे जो मेरे साथ खेले। मेरी टीम इतनी अच्छी थी कि हम लोग कोई भी टीम को वन साइडेड ही कहूंगा, वन साइडेड हराते थे। और लकली मैं कहूंगा कि हर टूर पे जितने भी टूर का आपने नाम लिया, चाहे वो इंग्लैंड हो, पाकिस्तान हो, न्यूजीलैंड हो, श्रीलंका हो, अफ्रीका हो, सारे टूर में, वर्ल्ड कप हो, सारे ही टूर पे मैंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया, सबसे ज्यादा रन बनाता था, चाहे वनडे हो, चाहे इनिंग क्रिकेट हो। तो ऐसे करते करते धीमे धीमे खेलता रहा, मैच्योर होता, रणजी ट्रॉफी खेला। एक टाइम और था जब मैं अंडर 19 पाकिस्तान टूर करके आया, तो वहां मैंने टेस्ट क्रिकेट में 200 रन बनाए थे। तो मुझे वापस आया, मेरा नाम चैलेंजर ट्रॉफी में था, 220 रन की पारी थी तन्मय, वो हमें याद है। और उसका जो सबसे बड़ा रिवॉर्ड आपको मिला, वो वापस जब घर पर आए और चैलेंजर ट्रॉफी में सचिन तेंदुलकर के साथ ओपनिंग करते हुए ग्राउंड में उतरे। जी जरूर, मैं उस पे भी एक किसी को ये नहीं पता है कि मैं जब मेरा नाम आया तो ग्रीन टीम में नाम था, इंडिया ग्रीन टीम में
मैं इंडिया ग्रीन टीम में था, पहला मैच नहीं खेला था, दूसरा मैच मैं टॉस हो चुका था, उसके बाद मुझे बोला गया था आप नहीं खेल रहे हो, तो मैं थोड़ा एक्चुअली डिसपॉइंट क्या कहूंगा, मैं उस उतने बड़े लेवल पे मैं तो सबको देखता ही था कि लोग कैसे अपने कैसे ड्रेसिंग रूम में रहते हैं, कैसे प्रैक्टिस करते हैं। फिर दिलीप वेंगसरकर सर सेलेक्टर थे, उन्होंने टॉस के बाद आके बोला कि तन्मय को ब्लू में डाल दो। तो ब्लू जो टीम थी वो सीनियर इंडिया टीम थी, उसमें सारे करंट इंडियन प्लेयर्स खेल रहे थे, सचिन, सहवाग, राहुल द्रविड़, जहीर खान, इरफान पठान, आरपी सिंह, हरभजन सिंह। तो मुझे जडेजा था उस टीम में, मेरे बैच का, जो मेरे साथ खेला था। तो जब मैं उस टीम में गया, मैंने लगा कि इधर भी पानी पिलाना, उधर बोला है तो उधर भी ऑब्वियस सी बात है पानी पिलाना होगा। तो जब मैं गया तो राहुल द्रविड़ थोड़ी देर बाद आया, उन्होंने बोला कि इंट्रोड्यूस कराया सबसे और बोला कि आप ओपन कर रहे हो। और मुझे लगता है कि जब उन्होंने बोला तो अंपायर जा चुके थे, मैं पैड वैड करके तुरंत गया और सचिन तेंदुलकर के साथ बैटिंग करना, उनसे मिलना ही एक ड्रीम रहता था। बट जब मैं उनके साथ ओपन किया तो ऐसा लग रहा था कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। मैं गया, अनलकली मैं उस मैच में दूसरी बॉल पे आउट भी हो गया, तो वो मैच हम लोग ने बैटिंग करी, उसके बाद बारिश हो गई, वॉश आउट हो गया। तो मुझको सचिन तेंदुलकर ने आके बोला कि कोई बात नहीं, परेशान ना हो, ये सब चीजें क्रिकेट में चलती रहती हैं। तो वहां से काफी लोगों को देख देख के सीखा कि भाई कैसे लोग मैच के पहले तैयार करते हैं, मैच के पहले कैसे प्रैक्टिस करते हैं। तो ऐसे काफी कुछ सीखा और वहां से धीमे धीमे लाइफ आगे बढ़ती गई। जी, तन्मय वहां से सफर जब आगे बढ़ा, 2007 2008 का रणजी ट्रॉफी सीजन था, उत्तर प्रदेश फाइनल तक पहुंचा। फाइनल में तन्मय श्रीवास्तव ने एक शतक बनाया वानखेड़े में, ये सबको पता है। लेकिन उससे पहले की कहानी पे आते हैं तन्मय, अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट जिसे हम कहते हैं देखा जाए, आपने सो कॉल्ड क्वार्टर फाइनल में शायद हैदराबाद के अगेंस्ट दोनों इनिंग में एक बड़ी पारी खेली, जिसके चलते उत्तर प्रदेश सेमीफाइनल तक पहुंचा, शायद 80 और एक 55 रन की पारी थी। नहीं नहीं बीच नहीं में मैं भारतीय बताऊं, मैं रणजी ट्रॉफी मैच में मैंने मेरा डिसेंट सीजन जा रहा था, मैं ऑन ऑफ खेल रहा था, क्योंकि मैं जी इंडिया अंडर 19 के प्रिपरेटरी मैचेस भी खेलता था और रणजी ट्रॉफी भी खेलता था, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही थी। फिर जी मुझे जाना पड़ा, साउथ अफ्रीका टूर पे था, तो जी वहां पे यूपी टीम जब फाइनल पहुंच गई तो बीसीसीआई से फोन आया कि आपको लास्ट टेस्ट मैच नहीं खेलना है, मुझे और प्रदीप सांगवान को एक हफ्ते भर पहले आके, क्योंकि वो दिल्ली और यूपी का मैच था, तो उसको दिल्ली से मुझे यूपी से फाइनल खेलना था। तो मुझे ये कह लीजिए कि किस्मत की बात है कि मेरा वो मैं एक दिन पहले ही आया था और प्रैक्टिस करी थी, अगले दिन मैच था, मैच में हम लोग बैटिंग किए, यूपी मैंने 100 बनाया, मेरा फर्स्ट क्लास सीजन का पहला 100 था। तो उस चीज की काफी खुशी थी क्योंकि फॉर्म में था, अफ्रीका में भी रन बना के आ रहा था, तो मुझे इजी लग रहा था यहाँ बैटिंग करना। बट हाँ ये जरूर कहूंगा कि मलाल भी था कि हम लोग अगर वो 100 बना के मैं रणजी ट्रॉफी जीतते हम लोग तो ज्यादा खुशी मिलती, तो ये जी चीज थी कि बट तन्मय, ठीक है। इस कहानी में भी एक कहानी है, अगर ये कहें कि मैं बात कर रहा था कि हैदराबाद के अगेंस्ट आपने एक दोनों इनिंग्स में एक अच्छी पारी खेली, यूपी सेमीफाइनल में गई, और ठीक उसके बाद वो दक्षिण अफ्रीका का दौरा था जिसकी आपने बात की। जैसे ही तन्मय श्रीवास्तव भारत से दक्षिण अफ्रीका पहुंचे, पहले मैच में आपने वहां पर एक शतक बनाया, हमें याद है शायद 105 110 की पारी थी, और वहां से जब बीसीसीआई ने कहा कि आपको फाइनल खेलना है, आप दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, शायद अगले ही दिन मैच था, और प्लेन से उतरते ही आपने एक शतक और जड़ दिया, जो रणजी ट्रॉफी के फाइनल में हमने बात की। तो क्रिकेट इतना आसान था उस वक्त, आप कहेंगे आपके लिए, कि दक्षिण अफ्रीका हो, पाकिस्तान में 220 की पारी हो, न्यूजीलैंड में 170 की पारी हो, बहुत आराम से आप रन बना रहे थे अपने लेवल पे। नहीं, मुझे मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि क्रिकेट कॉन्फिडेंस का गेम है, आप कहीं भी अगर रन बना रहे हैं, चाहे जूनियर लेवल हो चाहे सीनियर लेवल हो, रन बनाना तब आसान लगता है जब आप एक फॉर्म में हो, कॉन्फिडेंस में हो। क्योंकि अगर आप थोड़ा डीपली बात करें तो जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते हो तो या तो वो बॉल एज होता है, फील्डर के हाथ में जाती है, या अगर आप मिडिल करोगे तो फील्ड तो आउटफील्ड में हाथ में जाती है, और जब आप फॉर्म में होते हो तो वो एज गैप में जाता है, और जो बॉल बैट के ऊपर नीचे भी लगती है गैप में चार मिलता है। तो बस यही एक फर्म है, यही एक फर्क है फॉर्म और आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर का। जब आप आउट ऑफ फॉर्म में होते हो तो फॉर्म रन बनते हैं क्योंकि बॉल गैप में जाती है। जी, तन्मय एक चीज में आप कितना यकीन रखते हैं कि 2 साल यूपी लगातार फाइनल पहुंचा लेकिन ट्रॉफी को नहीं छू पाया, 2007-08 में दिल्ली और 2008-09 में मुंबई।
अगले सीजन में भी आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, अगर यूपी दोनों में से किसी एक सीजन या दोनों सीजन में ट्रॉफी जीत पाती तो क्या हम तन्मय श्रीवास्तव का एक और प्रोग्रेशन देखते क्रिकेट में? शायद मौके थोड़ा ऊंचे स्तर पे और मिल सकते थे? नहीं, मुझे मौके हर हाईएस्ट लेवल पे मिले हैं, ऐसा नहीं। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा टीम जीतती तो थोड़ा बहुत साइकोलॉजिकल इफेक्ट काफी आता कि रणजी टीम अभी भी, जैसे कभी सोचता हूँ कि रणजी ट्रॉफी नहीं जीती, जैसे आप अभी कह रहे हो वर्ल्ड अंडर 19 वर्ल्ड कप विनिंग टीम, तो मैंने इतनी पास आके भी वो कप नहीं उठा पाया, तो उस चीज का एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं मलाल रहता है जिंदगी भर और रहेगा भी। तो ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि मुझे बीसीसीआई ने, मेरी स्टेट ने पूरा मौका दिया। मैं अपनी इसमें कहीं ना कहीं मेरी भी गलती थी कि मैंने कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस नहीं किया। मैं जब शुरू के 3-4 साल रणजी ट्रॉफी में रन बनाया, उसके बाद मैं कंसिस्टेंटली रन नहीं बनाया। जी जी तन्मय, हम बात करते हैं कि एक अपना रिफ्लेक्शन छाप छोड़ने के लिए 2 या 3 सीजन 700, 800, 900 रन तक अगर कोई प्लेयर करता है तो रिकॉग्निशन अलग लेवल का जाता है, और आपकी परफॉर्मेंसेस अच्छी थी लेकिन रन शायद वो 500 तक का दायरा छू रहे थे, उससे ऊपर हम पहुंच नहीं पा रहे थे। मैं उसी चीज पे रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ कि जैसे मैंने चैलेंजर में 100 बनाया या वन डेज मेरा बहुत अच्छा गया, तो रणजी ट्रॉफी उतना अच्छा नहीं गया, 500-600 रन बने मैं यूपी के, जबकि यूपी के लिए टॉप टू में या टॉप थ्री में हमेशा रहा हूँ। 10-12-13 साल खेला, टॉप टू टॉप थ्री में रहा हूँ, बट अगर आप ओवरऑल इंडिया की बात करें तो 1000 रन जो एक्सपेक्ट करते हैं वहां नहीं टच कर रहा था। तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज, मैं खुद एडमिट करता हूँ कि मेरी कंसिस्टेंसी जो है वो पूरे 6 महीने एक जैसी नहीं रहती थी। मेरा ग्राफ ऊपर नीचे काफी हो गया, व्हाइट बॉल से अच्छा किया तो रेड पे उतना अच्छा नहीं किया, रेड पे अच्छा किया तो व्हाइट पे नहीं, तो कंसिस्टेंट नहीं था मैं अपना।